दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। बिजनेस आप लोग कैसे शुरू कर सकते हैं और इस बिजनेस से कैसे आप लोग अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। कील का अपना एक बाजार है। ये रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुओं में कहीं न कहीं उपयोग में बनी रहती है। इसका उपयोग विभिन्न लकड़ियों की वस्तु, घरों में उपयोग होने वाले पोर्टेबल स्टैंड, बिजली की वायरिंग आदि अनेक स्थानों पर इसका उपयोग किया जाता है। इस बिजनेस में लाभ लोहे के बढ़ते घटते मूल्य पर निर्भर करता है, फिर भी कील बनाने के बिजनेस में लाभ ज्यादा है। इसकी मांग हमेशा बनी रहने के कारण ये बिजनेस बेहतरीन विकल्पों में से एक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आप लोग भी कील बनाने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी इस बिजनेस के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कील बनाने के बिजनेस के लिए हमें कितनी जगह की जरूरत होगी। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए लगभग 1000 वर्ग फीट या उससे अधिक जगह की हमें जरूरत पड़ सकती है, जिसमें लोहे के वायर और मशीन रखने के लिए हमें जगह की आवश्यकता होगी। फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी इसके लिए हमें कौन से रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगी। इसके लिए काम आने वाली आवश्यक सामग्रियों में नेल वायर है। इसका प्रयोग करके विभिन्न तरह के कील बनाए जाते हैं। ये वायर अलग अलग क्रॉस सेक्शन में पाया जाता है, इसीलिए अपने द्वारा बनाए जाने वाले कील के अनुसार ही आप वायर खरीद लें। फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कील बनाने के लिए हमें कौन सी मशीनरी की आवश्यकता होगी। एक बार यदि ये मशीन बैठा ली जाए तो एक लंबे समय तक कील बनाई जा सकती है। यह मशीन पूरी तरह से स्वचालित होती है, जिसे आसानी से नियंत्रित और नियमित किया जा सकता है। कील बनाने वाली मशीन की कीमत लगभग 3 लाख से 4 लाख में है। ये मशीन 2 सेट में होती है। इससे लोहे की कील में जंग हट जाता है और नई चमकदार कील बनकर बाहर आती है। फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कील बनाने की प्रोसेस के बारे में। मशीन स्वचालित होने की वजह से कील बनने की प्रक्रिया बहुत आसान हो जाती है। मशीन के सामने वायर का डायल इस तरह से सेट किया जाता है कि वह घूम सके। वायर का एक हिस्सा नेल मेकिंग मशीन में लगा दिया जाता है। मशीन के चलने पर उस वायर से कील खुद ब खुद बननी शुरू हो जाती हैं। इसके बाद बनी हुई कीलों को पॉलिशिंग मशीन में डाला जाता है। पॉलिशिंग से कीलें नई दिखने लगती हैं। इसमें लकड़ी की भूसी का प्रयोग होता है। इसके बाद किसी तरह से लुम्बिकेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कील बनाने के बिजनेस के लिए हमें कुल कितनी लागत की आवश्यकता होगी। मशीन की कीमत 3 लाख से 4 लाख के करीब। फ्रेंड्स, अब मैं आप बात करूंगी कील बनाने की पैकेजिंग के बारे में। इसकी पैकेजिंग के लिए जूट के बोरे का प्रयोग बहुत अच्छा होता है। कील नुकीली होती है, इसीलिए प्लास्टिक के बैग्स के फटने का डर रहता है। पैकेजिंग के समय बाजार में विभिन्न हार्डवेयर दुकानों में दिया जाने वाली मात्राओं का ध्यान में रखें। उन्हीं मात्राओं की 5 किलो और 10 किलो के पैकेट आप लोग तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसकी मार्केटिंग के बारे में। इसकी मार्केटिंग हार्डवेयर मार्केट में की जा सकती है। शहर के सभी बड़े और छोटे हार्डवेयर दुकान में पहले इसकी कीमत सस्ते दाम पे आपको रखनी चाहिए और मार्केट पकड़ जाने के बाद आप इसको बाजार की कीमत पर अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। 8 घंटे रोज मशीन चलाने पर दिन भर में कम से कम 500 से 600 किलो कीलें बनाई जा सकती हैं।
बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, इससे हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज पहुंचे सबसे पहले आपके पास।